हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मेडिसिन लेसन में आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुरियर बॉय का जॉब कैसे करें, फ्लिपकार्ट में कुरियर बॉय का जॉब कैसे करें। तो मैं आपको एक एक पॉइंट पर बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह फायदा होगा कि नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डिलीवरी कुरियर बॉय का जॉब कैसे होता है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन आपको कितना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें 10th और 11th पास होना बहुत जरूरी है। आप मैट्रिक और इंटर जब हैं पास किए हुए तो आप कुरियर बॉय का जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। हिंदी तो सब बोल लेते हैं पर इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी एप्स है मोबाइल का, वो जो भी पार्सल लेकर जा रहे हैं तो सब इंग्लिश में नाम लिखा रहता है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। जो आप क्वांटिटी ले पार्सल ले जा रहे हैं, आइटम ले जा रहे हैं, उसका भी इंग्लिश में ही नाम लिखा रहता है। तो दोस्तों, आप इंग्लिश में पढ़ करके आप बता सकते हैं कस्टमर को। इस केस में यह होता है कि कभी कभी बार पूछ देते हैं कि जो पार्सल लेके आए हैं वो मेरे पार्सल क्या है उसमें, तो उसमें इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप पढ़ पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे कि आपका पार्सल क्या है। तो दोस्तों, आपको सबसे जरूरी है कि इंग्लिश आना जरूरी है। अब बात रही इसमें उम्र की, तो उम्र कितना चाहिए, तो आपका उम्र 18 से 30 वर्ष तक आपको उम्र होना चाहिए, 30-35 वर्ष तक होना चाहिए। इसमें आपको 18 वर्ष शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा 30-35 वर्ष तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही इसमें आपका एक बाइक चाहिए, जो कि आपके पास मोटरसाइकिल होना जरूरी है, ताकि आप उसी पर फील्ड में जाकर कुरियर करेंगे, काम करेंगे। उस मोटरसाइकिल का सारा डॉक्यूमेंट्स ओके होना चाहिए, जैसे कि आपका मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट्स जो कागज पूरा होता है, और इसका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस जो भी वगैरह होता है मोटरसाइकिल का, ये आपका ओके होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि आप पार्सल लेकर के ऑफिस से निकले और जैसे ही आपका ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर चेकिंग के लिए लगाया हुआ है, अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स है नहीं तो तरह तरह के जवाब आपको देना पड़ेगा, सवाल किया जाएगा, और आपका जो पार्सल सामान है वो आपका रखा रह जाएगा बैग में, आप सामान डिलीवर नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे कस्टमर को। तो दोस्तों, ये सबसे जरूरी है कि आपके पास जो बाइक है, आपका डॉक्यूमेंट्स उसका ओके होना चाहिए, और उसमें एक आपका आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस ए होना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मैं बताता हूँ कि आपका जो आईडी है क्या लगेगा। तो आईडी में दोस्तों आपको एक आधार कार्ड और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, वो लगेगा। अगर इसमें से आपका आधार कार्ड है, एक और कोई कहीं खोज देगा तो आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं इसमें आपका। दोस्तों, अब बात रही कि आपका पेमेंट कितना मिलेगा, अर्निंग कितना हम कर पाएंगे, तो आपको 15,000 से 20,000 तक आपको पेमेंट पर मंथ नॉर्मल सिटी में मिलेगा। बात रही नॉर्मल सिटी की, 15 से 20,000। अब मेट्रो सिटी में, जो मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं उनका क्या है सैलरी, तो 15 से 25,000 तक वो मेट्रो सिटी में उनका सैलरी मिलता है। एक और इसमें प्रोसेस है कि आप पैकेट पर करना चाहते हैं, पर पैकेट पर, तो एक पैकेट पर आपको 15 से 20 रुपया या कहीं कहीं 25 रुपया तक भी मिलता है, आपको 15 से 20 रुपया या 25 रुपया तक मिल सकता है। तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या कंपनी पेट्रोल का पैसा देती है, तेल का जो फ्यूल होता है उसका पैसा देती है, तो इसमें पैसा आपको कंपनी नहीं देती है, वो पैसा पेट्रोल खुद को पैसे से आपको भराना पड़ेगा, आपको फ्यूल का पैसा कंपनी नहीं देती है, यानी जो तेल है उसका पैसा कंपनी नहीं देती है। तो दोस्तों, आपको 15 से 20 रुपया जो पैकेट है आपको मिलेगा। अब बात रही आपको पैकेट कितना पहला दिन, फर्स्ट दिन मिलता है, तो आपको 20-25 से 30-40 पैकेट आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे आपका पैकेट का जो क्वांटिटी है बढ़ते जाएगा। बात रही अब ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन कैसे करें, आप ऑनलाइन पर जाके देख सकते हैं, तो वहां पर आपको कुछ दिक्कत होगा कि ऑनलाइन में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो होगा तभी आपको आंसर मिलेगा,
लेकिन जब हमसे पूछे तो मैं बताता हूँ कि आपका नियर जो आपका डिलीवरी सेंटर है फ्लिपकार्ट का है या कोई भी और कुरियर है, तो वहाँ पर जाके सीधे जाके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैनेजर से जाके बात कर सकते हैं कि हम डिलीवरी का जॉब करना चाहते हैं। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आपको तुरंत फेस टू फेस आपको बता दिया जाएगा हाँ या ना, या से नो का जवाब दे दिएगा, आपको तो वहां पर जॉब मिल ही जाएगा, ये तो पक्का गारंटी के साथ है। तो आपको रिवा का जॉब आपको आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपका फ्लिपकार्ट का या डिलीवरी का जो भी आपका सेंटर है, हब है, ऑफिस है, नियर में कहाँ है, तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि जी नियर में फ्लिपकार्ट का या डिलीवरी कुरियर का सेंटर कहाँ पर है, तो आपको गूगल पर पता चल जाएगा, आप उसके बाद फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मुझे आगे दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।